नाउ वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक. और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो बड़ा एक अच्छा काम कर रही हैं, और सिर्फ ना कि वो यहाँ उन्होंने पाकिस्तान में इस तरह की एक बेस बनाई, बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने जो है वो बड़े अच्छे अच्छे काम किए, चैरिटी बेस्ड फाउंडेशन के हवाले से और भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं. आज उन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे. लेकिन उनकी एक जो चैरिटी फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने केनिया में सेटअप की, बड़ी मुख्तलिफ सोच के साथ थी. बहुत ही डिफरेंटली उन्होंने उस चीज़ को सोचा एंड देन उसको कुछ करके दिखाया, और आज भी वो वहाँ पर है. उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे. फ़िलहाल तो वो इस्लामाबाद में है, शी इज़ वर्किंग फ्रॉम हेयर एज़ वेल. तो उनसे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है रोज़ीना अली. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू मैम? आई एम वेरी गुड, थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ऑन द शो. थैंक्स. एंड जैसे कि मैंने बताया था कि यू हैव फाउंडेड चैरिटी फाउंडेशन एंड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली इसका नाम है बेटर टू एंड गैदर. सो वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन मज़े की बात यह है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ को आपने इकट्ठा एक अंडर वन रूफ किया. इसकी जो थॉट थी वो आपके अंदर कैसे आई? कोई आपने ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की जिसकी वजह से आपको ये फीलिंग आई कि नहीं, इस तरह के इनिशिएटिव मुझे ही लेना पड़ेगा, तब जाके शायद कुछ चेंजेस आ सके एंड आपके लिए भी अच्छा हो सके. सो इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे ये स्टोरी है कि मुझे अपॉइंट किया गया एज ए चेयर ऑफ विमेंस एसोसिएशन ओके इन केन्या. और तब वो चीज़ मैंने रियलाइज़ की, इससे पहले कभी भी ध्यान में नहीं आया था ये बात. ओके. तो वो रियलाइजेशन तब आया कि जब इनविटेशन मिलते हैं एक दूसरे के पास से, और केन्या में बहुत सारी कम्युनिटीज़ डेफिनेटली डिफरेंट कम्युनिटीज़ राइट. और फिर पता चला कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो इनवाइट ही नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि ये लोग नहीं आएंगे. ओके. मतलब वो अपनी ही रिलीजन के जितने लोग होते हैं उन्हें ही सिर्फ गैदर करते हैं, इनविटेशंस भेजते हैं. जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, वो एक दूसरे को नहीं करते. वो कर, ये होता था. ओके. नहीं होता. ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. और वो बात फिर तब उस वक्त आई क्योंकि इंटर मैरिजेस होते हैं पर लोग इंटरमिंगल इतना नहीं करते. बिल्कुल नहीं करते. और मेरे लिए बहुत एक रिलक्टेंसी थी उनके इवेंट में जाके खड़े होना और उनके साथ बात करना. तो वो एक मेरा मिशन आ गया था कि कुछ भी करके ये सारी कम्युनिटीज को अंडर वन अम्ब्रेला मुझे लेकर आना है. तो फिर आपको किस तरह की हर्डल्स आई या किस तरह से आपने जो है वो पहला कदम उठाया कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाकर आप उनको ये चीज़ समझाती थी, या आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके सबको इनवाइट किया, किस तरह से किया इस सिलसिले? सबसे पहले मुझे अप्रोच करना पड़ा उन कम्युनिटीज़ के चेयरमैन को. ओके. और आफ्टर मीटिंग वो चेयरपर्सन को जमा करके और फर्स्ट पहले तो 9 कम्युनिटीज साथ में आई. ग्रेट. और उनको जमा करके आई वाज रियली प्राउड फॉर दैट ऑब्वियसली. एंड फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो दूसरे कम्युनिटीज को पता चले कि देखो हम अगर साथ में हैं तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं. अच्छा. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि टुडे हम लोग 38 कम्युनिटीज अंडर वन अम्ब्रेला है. वाओ. और अब इस चीज़ को मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो अब इस चीज़ से यूज्ड टू हो गए. वो कोई भी इवेंट करते हैं एक दूसरे को इनवाइट करते हैं और ये चीज़ इस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है, नॉट ओनली फाइनेंस के साइड पे पर दूसरी चीज़ों में भी, यू नो, बच्चों के एजुकेशन में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में इनको बहुत बेनिफिट. अच्छा, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने पहले रिलक्टेंसी दिखाई कि नहीं जी हम क्यों आएँ, आप तो बिल्कुल मुख्तलिफ कम्युनिटी हो, आपका मुख्तलिफ रिलीजन है, हम आपके अंदर सेटल नहीं हो सकते? किसी ने किस तरह की कोई चीज़ शो अप की? लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइज और हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स आर ऑलवेज देयर. ओके. तो वो तो होता ही है पर एक चीज़ अच्छी है कि जब उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि भाई हम तो नहीं आएंगे, हम तो अगर इस कम्युनिटी से हैं तो हम तो उसी के अंदर रहेंगे, पर बाद में उनको कोई चॉइस नहीं था. जब सभी तो वहाँ इकट्ठे हो रहे थे तो दे वर लेफ्ट अलोन, आई थिंक. एब्सोल्युटली. ओके. अच्छा, वहाँ पर मजीद और किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया या सिर्फ इसी चीज़ को हाईलाइट किया हमेशा? नो, इस चीज़ को हाईलाइट करके उनको जमा करके फिर हमने उसको छोड़ दिया. हमने कहा अब ठीक है, लेट देम रन बाय देमसेल्व्स. ओके. फिर उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए, उस पर कॉन्सेंट्रेट किया. फॉर एग्जाम्पल
एक प्रोजेक्ट है, इट्स कॉल्ड बेसिक स्किल्स. Basic skills. Yeah. Okay, the skillful people can join that. No, not skillful people. Okay. Those who are, have no skills at all. Oh, okay. So, jab, for example, ek 18-year-old boy hai ya 14-year-old boy hai, car wash kar raha hai, and wo educated nahi hai. To ab usko hum wapas nursery mein nahi le ja sakte. Haan. Usko kis tarah se start kare? To usko ek aisa skill de de, jiske upar wo apni zindagi guzar sake. ठीक है, या आगे बढ़ सके, अपनी फैमिली को ले जा सके. मतलब यू ट्रेन पीपल फॉर डिफरेंट स्किल्स. सो इसी तरह से हमने फिर ऑर्गेनाइज किया कपल ऑफ टीचर्स को जमा करके, और उसके अंदर कारपेंट्री वर्क, मैकेनिकल जॉब, इलेक्ट्रिशियन वर्क, प्लम्बिंग वर्क, तो जो बेसिक हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर हम जो यूज करते हैं उसके कोर्सेज देना शुरू किए. पर वो स्टार्ट किए नॉट फ्रॉम स्कूल्स, फ्रॉम ऑर्फनेजेस. ओके, तो अभी हमारे टीचर्स हैं पेड टीचर्स जो वंस अ वीक वो ऑर्फनेज में जाते हैं और उसका कोर्स देते हैं, जैसे टेलरिंग है. सो यू नो बॉयज एंड गर्ल्स दे बोथ लर्न. ओके, एंड देन हूएवर कैन अचीव इट. सो दीज प्रोजेक्ट्स आर इन केन्या या फिर इस्लामाबाद एंड ऑल ओवर द पाकिस्तान. वेल, स्टार्ट तो केन्या से ही किया, केन्या और अभी मैं इस्लामाबाद आई हूँ. और इस्लामाबाद आने के बाद अभी यहाँ पर हमने फूड टू स्ट्रीट स्टार्ट किया है. ओके, और जाके अंदर देखना, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कंपेयर नहीं कर सकते पॉवर्टी लेवल ऑफ इस्लामाबाद टू अफ्रीका. बिल्कुल, तो वो उधर ज़रा कुछ ज़्यादा ही हाई है. तो यहाँ पे ज़रा अंदर जाके देखना पड़ता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ की है कि जो नीडी पीपल होते हैं वो कभी भी बाहर आके मांगते नहीं. दैट्स ट्रू. वो एक सूखी रोटी एक पानी के साथ खा लेंगे और बाहर आके मांगेंगे नहीं. वो इतनी अपनी डिग्निटी रखते हैं. सही. तो उनको जाके अंदर जाके देखना और फिर उनसे जाके कांटेक्ट करना, ये मेरा मिशन है अभी. ओह माय गॉड, और मेरा डिफिकल्ट मिशन. थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑब्वियसली यू हैव टू डू अ वेरी हार्ड वर्क इन सारी चीज़ों के अंदर घुसने के लिए. किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, बिकॉज कितने प्रोजेक्ट्स आपके केन्या में भी चल रहे हैं, फिर इस्लामाबाद में भी ऑब्वियसली यू आर वर्किंग, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए आसान होता है? No, of course not. Of course it not. It is bit difficult. मैं of course time का भी difference है, तो मैं उनके साथ हमेशा कम्युनिकेशन चलता रहता है स्काइप के थ्रू एंड व्हाट्सएप. यू नो हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ क्वाइट गुड, सो उसके थ्रू करते हैं. पर वहाँ पे एक पूरा एक सेटअप है टीम का, एंड यू नो मेरे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो भी मुझे हेल्प कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से. और वो सेटअप एक इंसान जब एक अच्छा सेटअप कर लें तो फिर वो सेटअप फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं. अच्छा, सबसे बड़ा मुश्किल काम भी ये है कि एक अच्छी टीम सेट करना. बिल्कुल, एक अच्छी टीम, एक हायरार्की अच्छी ऐसी बनाना कि आपके पीछे भी वो उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस जिम्मेदारी को उठा सके जैसे कि आप उठाती थी. और आपकी एक सोच है कि हाँ जी इसमें इस तरह से काम होना चाहिए, कुछ भी चीज़ नज़रअंदाज ना हो, और वो चीज़ एक सीरियसनेस होनी चाहिए. सीरियस, क्योंकि ये सब वॉलंटरी बेस्ड है, इसके अंदर कुछ कोई भी पेड वर्कर नहीं है. अच्छा, नॉट इवन द ट्रेनर्स यू हैव हायर. ओनली द ट्रेनर, ओनली द टीचर्स, दोज़ ओके जो बाहर जाके उनको क्लासेस देते, सिर्फ वही पेड है, क्योंकि उनके सिवा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. सही बात. पर द रेस्ट ऑफ द एंटायर टीम, वी राइट नाउ वी हैव 78 वॉलंटियर्स अंडर दिस फाउंडेशन ऑफ बेटर टुगेदर. ओके, सो वो सब के सब वॉलंटियर्स है और सब इतने दिल लगा के काम करते हैं कि आपको कभी ऐसा हो भी जाए कि मैं थक गई हूँ, पर मैं नहीं थक सकती. सही बात है, क्योंकि आपका काम ऐसा है, वो आपको देखकर उनके अंदर एनर्जी आती होगी, वो एक एंथुजियाज्म आता होगा कि हाँ जी आवर लेडी इज वर्किंग सो हार्ड, सो व्हाई वुड वी डोंट कान. एब्सोल्युटली. तो दैट्स रियली ग्रेट, माशाल्लाह यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब. और मज़ीद आपकी कोई ऐसी चीज़ें जिसको आप हाईलाइट करना चाहती हों इन फ्यूचर, और कुछ ऐसी जो फील्ड्स होती हैं जिनमें आप समझती हैं कि काम नहीं हो रहा, इनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर फोकस नहीं है और होना चाहिए, तो कुछ इस तरह की चीज़ों पर एनालाइज किया है आपने? मैं सिर्फ इतना अभी जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे उसके हिसाब से मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि हर एक इंसान अपने दिल में ये सोचे कि मुझे सिर्फ एक को हेल्प करना है. तो आप सोच लें, हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है,
हम कहाँ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, उसने सोच लिया कि मुझे एक बच्चे को फ्री एजुकेशन देना ही देना है, अगर मैं ट्यूशन देती हूँ तो मैं उसको फ्री ट्यूशन दूंगी। एक डॉक्टर है, वो एक पेशेंट को फ्री इलाज कर दे। एक अकाउंटेंट है, वो एक दूसरे बच्चे को अकाउंटेंसी सिखा दे। इस तरीके से अगर हम कितनी फैमिलीज को हम बिल्ड कर सकते हैं। और हमको एक ये गली कूचे में जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ अपने राइट और लेफ्ट पे देखना है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। गो टू फार। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। क्योंकि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम हैं, वहां पर इस तरह की चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं और हम देखते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। बट द थिंग इज कि हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। और जो आपकी थॉट है, दैट्स रियली ब्यूटीफुल थॉट कि आप किसी एक की भी मदद करेंगे तो वो आगे चल के वो चीज स्प्रेड आउट होगी, और जिसकी आपने मदद की कल को वो इस काबिल होगा कि वो आगे किसी की मदद करेगा, तो इट will go long yes. way on. Yes, क्योंकि जैसे हम तन मन और धन से करते हैं। True that, true. So not necessary हमेशा धन ही लगाएं, तन और मन भी लगा सकते हैं। सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने जिस तरह की ये स्किल्स के हवाले से फाउंडेशन एक जो कायम की और जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हैं, तो डू यू थिंक कि आपके अंदर भी कोई ऐसी मुख्तलिफ सी स्किल है जो आप आगे किसी को दे सकती हैं, सिखा सकती हैं, समथिंग यू नो डिफरेंट इन यू? बिल्कुल। मेरा एक्चुअली फील्ड, मेरा करियर स्टार्ट हुआ फैशन इंडस्ट्री से। ओके। और वो सेटअप हुआ था यूके में। ठीक है। वहीं पे मैंने स्टडी की फैशन इंडस्ट्री के बारे में, और यू नो वेंट क्वाइट वर्क्ड वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट। दैट्स रियल ग्रेट। और शुक्र अचीव किया जो अचीव करना था। और उसके साथ साथ फिर रियलाइज किया कि नहीं, एक इंटीरियर डिजाइन में भी जाना है मुझे। ओके। वो आई वाज एनकरेज्ड बाय माय मैनेजर कि भाई तुम जाओ, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। ओके। तो उसको मैंने फिर ले लिया, मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे जाना चाहिए, तो उसके अंदर मैंने किया। ठीक। और ये चीज़ जब मैं केनिया आई तब ये चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की। ओके। वहाँ पे भी मैंने एक लेडी को हेल्प किया था जो फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है, नैरोबी में बेस्ड है, और समहाउ किसी पार्टी में उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने बोला ओह फैशन इंडस्ट्री, यस यस, और जरा यू नो सोशलाइज हुए थे, और जो मैंने जिन के साथ मैंने काम किया है तो उनके मैंने रेफरेंसेस दिए, तो वो जरा उनको मजा आ गया था। तो फिर उन्होंने कहा प्लीज आप मुझे हेल्प करें। जब मैंने हेल्प किया, मैंने ये कंडीशन रखी थी कि हमारी जितनी भी मॉडल्स आप मुझे देंगी वो रॉ हैंड होनी चाहिए, वो ट्रेन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि उन को मैं ट्रेन करूंगी और ये मेरा एक सर्विस होगा टुवर्ड्स द कम्युनिटी कि मैं उनको ट्रेन करूंगी और उनको सिखाऊंगी कि आपके फिगर के हिसाब से, आपके फेस कट के हिसाब से आपको कैसा ड्रेसअप होना चाहिए, ये भी, और आपको मैनर्स के हिसाब से आपको किस तरह से बैठना है, कैसे बोलना है, क्या एक्शंस करने हैं। तो वो मेरा था। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो साथ में मुझे सर्विस भी देनी चाहिए। ओके। तो और दिया मैंने। ओह दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। क्योंकि वही वाली बात है कि ट्रेंड्स के साथ हम सारे फैशंस फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हर किसी पे बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की जो ड्रेसिंग है वो सूट करती है। आपको उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका बॉडी किस तरह की है, आपकी फिगर किस तरह की है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आपको किस तरह का सब करना चाहिए। अच्छा, अभी इस्लामाबाद में इफ यू आर प्लानिंग सम यू नो फैशन शो और इस तरह की कोई चीज आपकी पाइपलाइन में है जिसे आप आगे देखना चाह रही हैं? आपको मेरे वाइब्स आ गए। Yes. नहीं ऑब्वियसली क्योंकि इतना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो जो एक फैशन डिजाइनर होती है उसकी थिंकिंग यही होती है कि इवेंचुअली ही हैज टू कम अप विद हिज डिजाइंस, और यू नो फैशन शोज के लोगों को पता चल सके व्हाट दे आर अप टू। एब्सोल्युटली। मैंने थोड़े ग्रुप्स को ज्वाइन किया है। ओह दैट्स ग्रेट। और ये बात लास्ट वीक भी हुई थी। और लास्ट वीक ही उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई हमको एक इवेंट करना है, तो आप कोई आइडिया दें कि हम लोगों को गैदर कैसे कर सकें। सही। एंड ऑफ कोर्स मेरे पास यही एक आइडिया था कि हम उनको किस तरह से अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि ये कोई भी आप चैरिटी खोले, कोई भी एक ग्रुप खोले, आपको एक ऐसी चीज़ करनी है जो एक मैग्नेट हो और वो मैग्नेट की तरफ लोग अट्रैक्ट हो लोगों के लिए कोई चीज़। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि यू नो राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू पैंडमिक एंड उसके अंदर हमको सारी चीज़ें फॉलो करनी है, तो ये एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम SOPs को फॉलो करते हुए इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। पीपल यू नो गेट एंटरटेन्ड
और जो फैशन के लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे हाँ। उनके भी स्टॉल लगा लेंगे अच्छा। उनको भी मौका मिल जाएगा अपनी आइटम को डिस्प्ले करने राइट। का तो यस नेक्स्ट कमिंग सैटरडे वी आर हैविंग अ मीटिंग अबाउट दैट एंड इंशाल्लाह गॉड विल्स विशेस तो फरवरी और मार्च में यू नो एज सून एज ये जरा पेंडेमिक थोड़ा सा जरा स्लो हो जाए या उसके बाद हम organize karenge definitely. And definitely I'll let you know oh definitely I would love to come yeah. oh that's great kyunki hame bahut time ho gaya hai is pandemic ki wajah se bahut is tarah ke socialize karne mein ya fir kuch is tarah ki events hone mein aur logo ka gather hona logo ki achhi soch log samne aana aapke talent ka pata chalna to ye bahut sari cheeze ruk gayi thi but this initiative is also very good opportunity for those jinhone is field mein kadam rakhna hai aur obviously आपको देखकर आपसे चीज़ें भी सीखेंगे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे मैम प्लीज़ हमें बताएंगे और डेफिनेटली हमारी पूरी जो है वो कोशिश ये है कि आप अवेलेबल हो कि आपके शो के बाद हम आपको दोबारा इनवाइट करें anytime. और फिर हम आपसे दोबारा कमेंट्स लें आपकी रिव्यूज़ लें कि वो किस तरह का जो आपने आपकी जो सोच थी जिस इवेंट को लेकर वो उसी तरीके से हुआ कि नहीं बिल्कुल सो वी वुड लव टू इन्वाइट यू अगैन बट आज का भी बड़ा मज़ेदार सेशन है वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू सच डूइंग थिंग्स और जो आपने वाकई एक गैर ममालिक में जाके एक फाउंडेशन कायम की लोग सोच भी नहीं सकते इस तरह की चीज़ के बारे में जिस तरह से आपने किया एंड नाउ इट्स रनिंग वेरी सक्सेसफुली सो थैंक यू सो मच रोजीना जी इट वॉज प्लेजर टू हैव यू हेयर And best of luck for future and your event. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, जी. इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. हमारे साथ ही रहिएगा.